ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटवारी परीक्षा में सरकार ने धांधलियां की हैं। बहुत से परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। कईयों का रोल नंबर नहीं मिले तो कईयों को एक जैसे ही रोल नंबर दे दिए गए हैं। कई केंद्रों पर जमकर अपनों को नकल करवाई गई है। ये सब सरकार की नाकामी को दर्शाता है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कही। उन्होंने मांग की है कि पटवारी परीक्षा को रद्द किया जाए ताकि किसी किस्म का भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में जगह जगह अलग अलग तरीके से धांधलियां की गई है। प्रशासनिक अव्यवस्था से हाल बेहाल था। हजारों रुपए की फीस लेकर इसे गंभीरता के साथ आयोजित नहीं किया गया। इस आयोजन को रद्द किया जाना चाहिए। दोबारा परीक्षा हो, परीक्षार्थियों को फीस वापस हो और इस धांधली की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। पिछले कल जो पटवारियों की परीक्षाएं हुई उसमें जो है वो धांधली की गई, घोर अनियमितताएं हुई। हमारी मांग है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच जो है वो न्यायिक जाँच होनी चाहिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से। ये सरासर बेरोजगारों का मजाक उड़ाया गया। पीएचडी स्तर के लोग जो हैं, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है इसमें जो है वो पटवारियों की परीक्षाओं में जो है वो शामिल हुए थे, लेकिन उनका सरासर मजाक उड़ाया गया। एक ही व्यक्ति को चार चार रोल नंबर दिए गए। कई जगह पर परीक्षाओं में जो है वो नकल हुई और बहुत तरीके से जो है इस सरकार ने धांधली की। ये असंवेदनशीलता है बेरोजगारों के प्रति, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसके प्रति घोर अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करती है और मांग करती है कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए और ये परीक्षाएं दोबारा करवाई जाएं और जो यहाँ पे परीक्षार्थी थे उनको जो है वो हर्जाना दिया जाए। ये असंवेदनशीलता प्रदेश की बेरोजगारों के प्रति जो है कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।